हम तो अवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम देखेंगे इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये आखिर करंट अफेयर में क्यों था और आखिर ये प्रोग्राम है क्या, और हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कॉज करता है और WHO का इस पर रिस्पॉन्स क्या है और मेनली इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है। शुरू करते हैं व्हाई इट वॉज इन न्यूज़। द प्रोजेक्ट कॉल्ड द इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव फाइंड्स दैट नियरली 23% आउट ऑफ 2.1 बिलियन इंडियंस हैव अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। कहा गया है कि 2.1 मिलियंस इंडियन पॉपुलेशन में 23% जो इंडियन पॉपुलेशन है दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। अब देखते हैं इसके प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। द प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन नवंबर 2017। ये प्रोग्राम हाइपरटेंशन इंडियाज़ कंट्रोल इनिशिएटिव ये 2017 में लॉन्च हुआ था। इट इज़ अ कोलेबोरेशन बिटवीन द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये इन दोनों के कोलेबोरेशन से बना हुआ है एंड द WHO ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तीन लोगों का भागीदारी है। अब देखते हैं हाइपरटेंशन आखिर है क्या। हाइपरटेंशन इज़ डिफाइंड एज एन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन वो होता है जब ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है, जैसे 80-120 हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसके अबव चला जाता है। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड। ये जो प्रेशर होता है ये ब्लड के प्रेशर से लगता है। जब ब्लड विसल्स में फ्लो होती हैं उनका प्रेशर जब हाई हो जाता है तो आर्टरीज पे प्रेशर एग्जर्ट करती हैं जिससे हाइपरटेंशन हो जाता है। अब देखते हैं WHO का रिस्पॉन्स इस पे क्या है। WHO इशूड अ न्यू गाइडलाइन फॉर दी फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन अडल्ट इन 2021 में। अब WHO ने एक न्यू गाइडलाइंस फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के लिए इशू की है कि अडल्ट को कैसे डील किया जाए हाइपरटेंशन से। द आर्टिकल इंक्लूड्स एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन फॉर स्टार्टिंग दी हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट एंड सजेस्टेड फॉलो अप इंटरवल। अब देखते हैं कि इसके आखिर एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। टू मीट द गवर्नमेंट टारगेट ऑफ 25% रिलेटिव डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर बाय 2025। कहा गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के थ्रू हमें 25% तक के 2025 में इस ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है। इंडिया हैज सेट अ गोल ऑफ 25 बाय 2025। द गोल इज़ टू रिड्यूस द प्री मेच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बाई 25%। जो डेथ हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसको रिड्यूस करना है बाई द एंड ऑफ 2025 to 25%। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आयरन एज इन तमिलनाडु, वाई इट इज़ इन न्यूज़, और इसका डिटेल पढ़ेंगे और इसके सिग्निफिकेंस क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन एज टू सिविलाइजेशन, कैसे ये आयरन एज हमारे सिविलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्कस करेंगे आयरन एज है क्या। चलिए शुरू करते हैं व्हाई इट इज़ इन न्यूज़। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस दैट कार्बन डेटिंग हैज़ पुश्ड बैक द आयरन एज इन द स्टेट एंड इंडिया टू 4200 ईयर्स। ये तमिलनाडु सरकार कहती है कि 1200 साल पहले कार्बन एज डेटिंग नियम को 4200 साल पीछे ढकेल दिया है। अब देखते हैं इसका डिटेल क्या है। ओरिजिन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन पुश्ड बैक टू 2172 BC। प्रीवियसली द अर्लीस्ट आयरन यूजेज वॉज 1500 BC फॉर तमिलनाडु एंड 1900 to 2000 BC फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया। इसका पीरियड ये था। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है। द रिजल्ट पुश बैक द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन तमिलनाडु एज आयरन ऑब्जेक्ट वर यूज इन एग्रीकल्चर। तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु में एग्रीकल्चर का आयरन एज पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ा, जिससे भाई वो डेंसर एरिया और ये सब को कर सकते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन एज टू सिविलाइजेशन। डिस्कवरी ऑफ आयरन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स एंड वीपन्स लीडिंग टू प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर अ सिविलाइजेशन। अब देखते हैं आयरन मेटल हेल्प टू क्लियर डेंस फॉरेस्ट एंड ब्रिंग लैंड अंडर एग्रीकल्चर। अब आयरन एज की डिस्कवरी से होने, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा पहले हुआ करते, फिर जंगल को काट के उन्होंने धीरे धीरे वो लैंड एरियाज को एक्वायर करने लगे। फिर इट वॉज ईजी फॉर देम टू डिग अ डीपर लैंड ऑन अ फर्टाइल लैंड विच फैसिलेट द एग्रीकल्चर। अब देखते हैं आयरन एज। आयरन एज इन इंडिया वॉज ट्रेस्ड टू 1300 BCE आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आहार कल्चर। आहार कल्चर के बाद 1300 BCE के बाद इसकी शुरुआत हुई। बिफोर द लेटेस्ट डिस्कवरी द आयरन एज इन तमिलनाडु वॉज डेटेड बैक टू 1500 BCE। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द डे। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो और यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के लौह युग, आखिर ये खबरों में क्यों है और इसका विवरण, और फिर देखें महत्व, इसका महत्व क्या है।
और सभ्यता के लिए लौह का महत्व क्या है और लौह युग के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं, आखिर ये खबरों में क्यों हैं। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि कार्बन डेटिंग ने राज और भारत के लौह युग को 4200 साल पीछे ढकेल दिया है। अनुभव और दुनिया घर में जानकारी का उपयोग करेगा। अब इसका विवरण देखते हैं। वस्तु की उत्पत्ति 2175 ईसा पूर्व तक पीछे ढकेल दी गई है। पहले तमिलनाडु के लिए सबसे पहले लौह का उपयोग 1500 ईसा पूर्व और शेष भारत के लिए 1900 से 2000 ईसा पूर्व था। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है। परिणाम तमिलनाडु में कृषि की शुरुआत के पीछे ढकेलते हैं क्योंकि कृषि का लौह की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। चलिए आखिर सभ्यता का लौह का महत्व क्या है शुरू करते हैं। लौह की खोज से कृषि औजारों और हथियारों का उत्पादन हुआ जिससे सभ्यता के लिए आवश्यक उत्पादन हुआ। लौह धातु ने घने जंगलों को साफ करने और भूमि की कृषि के अंतर्गत लाने को मदद की। अब देखते हैं लौह युग का समय। आहार संस्कृति की खोज के लिए भारत में लौह युग का पता चला 1300 ईसा पूर्व में लगाया गया था। नवीनतम खोज से पहले तमिलनाडु में लौह युग 1500 ईसा पूर्व का था। आज हमने जैसे डिस्कस किया आयरन एज ऑफ तमिलनाडु। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द डे।